नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम ट्रेंड इन कमोडिटीज में। इस शो में हम कमोडिटी मार्केट की पांच बड़ी खबरों के साथ साथ वीक के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है कमोडिटी मार्केट की अब तक की सबसे पांच बड़ी खबरें। रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान के चलते गेहूं 4.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। फरवरी में अब तक 9% से ज्यादा की गिरावट। रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान से सरसों का भाव 22 महीने के न्यूनतम लेवल पर, प्राइस 6,000 के नीचे लुढ़के। कमजोर मांग के चलते मक्का के भाव में हमने पिछले एक हफ्ते में 3% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। रबी में क्रॉप अच्छी होने के अनुमान की वजह से बल्क बाइंग में काफी हद तक कमी आई है, जो कि गिरावट का एक कारण है। मजबूत निर्यात मांग के चलते सोए मील में तेजी, भाव ने 50,000 का स्तर छुआ। इस साल सोए मील का एक्सपोर्ट डबल होकर 40 लाख टन रह सकता है। साउथ ईस्ट एशियन एंड फार ईस्टर्न कंट्रीज से डिमांड ज्यादा रहने की संभावना। अगर उत्पादन की बात करते हैं तो क्रशिंग भी पहले 4 महीने के अंदर ऑयल ईयर्स में हमने 52% हायर देखी है, सोयाबीन के हायर अराइवल्स के चलते। जीरे में पिछले एक हफ्ते में 7% से ज्यादा की गिरावट। सप्लाई कंसर्न ईज होने से हमने लगातार बिकवाली इस काउंटर में देखी है। आइए अब हम कमोडिटी आउटलुक सेगमेंट में रबी क्रॉप के अंदर वीट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया, गेहूं के भाव 4.5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और फरवरी में अब तक हमने 9% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है और आगे भी गिरावट की आशंका है। पहले OMSS के द्वारा 3 मिलियन मेट्रिक टन स्टॉक मार्केट में छोड़ने से आई थी गिरावट, और अभी सरकार का ऐसा मानना है कि गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, जिसकी वजह से हमने भाव में गिरावट आते हुए देखी है। वर्ष 2022-23 में सरकार के मुताबिक गेहूं का उत्पादन 112.18 मिलियन मेट्रिक टन हो सकता है। बता दें कि जनवरी में हमने भी जो आकलन किया था, हमारे हिसाब से भी गेहूं का उत्पादन 110 से 112 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है, और हमने जताया था गेहूं में करेक्शन 2400 तक आ सकता है। फरवरी में टेम्परेचर जो है मोर और लेस फेवरेबल रहेगा, लेकिन मार्च में गर्मी बढ़ने की आशंका है, जो कि क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मार्च का टेम्परेचर मीन टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, जैसा कि वेदर एजेंसी का मानना है, तो कहीं ना कहीं गेहूं की यील्ड नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। आज के ट्रेंडेड कमोडिटीज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम कमोडिटी मार्केट की पांच बड़ी खबरों के साथ साथ किसी एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।